प्याज की ऐसी चटनी जो आप इसे बना देंगे तो 1 से 2 महीने के लिए आप इसे फ्रिज में आराम से रख सकते हैं और आपको कोई भी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे रोटी या पराठा या नान के साथ आराम से खा सकते हैं, बहुत ही चटपटा बनता है। तो इसको बनाने के लिए कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच की थोड़ा सा तेल लेंगे, और ये हम तेल लिए हैं सरसों का तेल लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे जीरा मिर्च अजवाइन थोड़ा थोड़ा डालकर, इसे सौंफ है इसमें, और इन्हें थोड़ा सा लाल होने देंगे ताकि इसका खुशबू अच्छा सा आए। और फिर इसके बाद डालेंगे कटे हुए प्याज, हम यहाँ पे 6 से 7 प्याज लिए हैं कटे कटे बड़े पीस में, और इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाल होने लगेगा, इसे बिल्कुल लाल नहीं करना है, इसी तरह से इसे करते रहेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और बीच में आप फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा, और फिर इसमें डालना है सूखी मिर्च। हम यहाँ पे सूखी मिर्च ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा तीखा पसंद है, और तीखा रहने से आप सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको अगर तीखा कम पसंद हो तो आप इन्हें थोड़ा सा कम डालिएगा और इसे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से बच्चों को भी पसंद नहीं आती है तो बच्चे ऐसे खा नहीं पाते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा कम ही रखेंगे तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और जब ये प्याज जब इस तरह से होने लगेगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे मिक्सी में डालेंगे और इसे पीस लेंगे बिल्कुल पतला, जिस तरह से आप चटनी को पीसते हैं या मसाले को पीसते हैं बिल्कुल पतला, उस तरह से। तो पहले से ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में डालिएगा। बहुत ही अच्छा ये चटनी बनता है प्याज का। जब भी प्याज सस्ता हो या आपके घर में प्याज अवेलेबल हो तो आप इसका चटनी बनाकर 1 महीने के लिए रख सकते हैं, और इसे रोटी या पराठे के साथ आराम से खा सकते हैं नाश्ते में। और इसे इस तरह से पीस लेंगे। इसे बिल्कुल पतला पीसना है, मोटा नहीं पीसना है। और फिर इसके बाद उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों को थोड़ा सा लाल होने देंगे, सरसों से आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से कम जीरा, और फिर 1/2 चम्मच डालेंगे सौंफ, मेथी, अजवाइन। और फिर इसके बाद गैस को धीमा करके इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है अगर पहले ही आप लाल मिर्च पाउडर तेल में डाल देंगे तो। और फिर इसके बाद जो हमने मसाले पीस के रखे थे प्याज के, उसे डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें नमक डाल लेंगे अपने अनुसार, और इसे इसी तरह से भूजते रहेंगे। इसे पहले ढककर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूजना है, और फिर इसके बाद बीच बीच में आप देखते भी रहिएगा ये सट नहीं जाए। और फिर इसके बाद गैस को धीमा करने के बाद इसी तरह से आपको भूजते रहना है ढककर। ये लीजिए, हम इसे 10 मिनट के लिए भूजे हैं, तो ये इस तरह का हो गया है। ऐसे तब तक भूजते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल इसका कलर एकदम लाल नहीं हो जाए, और ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और टेस्ट भी उतना खास नहीं आता है। तो इसे थोड़ा ज़्यादा देर तक भूजेंगे तो दिखने में भी अच्छे लगेंगे, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और फिर इसमें लास्ट में हम डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। अगर आपको देसी घी नहीं डालना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम देसी घी इसलिए डाल रहे हैं कि इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम इसे लगभग 25 मिनट के लिए इसे भूजते रहे हैं, तब जाके इसका कलर इतना अच्छा आया है। आप देख सकते हैं ये प्याज का चटनी कितना अच्छा बन के तैयार है। आप इसे शीशा के बर्तन में, कांच के बर्तन में या कोई भी बर्तन पर रख सकते हैं। शीशा के कांच वाले बर्तन में रखेंगे तो आप आराम से इसे 1 महीने 2 महीने के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिस तरह से आप अचार बना के रख देते हैं, और इसे नाश्ते में खा सकते हैं और बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं।
और सफर में भी इसे ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी ये चटनी है और बहुत ही टेस्टी है। जब भी सब्ज़ी आपको नहीं मिले या सब्ज़ी महंगी हो गई है तो आप इस चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये चटनी कैसे लगी आप बना कर हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।